सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और ब्रेड का एक नए तरीके का नाश्ता, जो बच्चों और बड़ों को बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप इसे चाय के संग और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये कुछ नए ढंग से हम बना रहे हैं, आइए देख लेते हैं इसके बनाने की विधि और इसकी सामग्री। हमने इसके लिए ब्रेड ली हुई, ब्रेड हमने बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजी ब्रेड होनी चाहिए। इस तरह की करीब ये 10 से 12 पीस ब्रेड की है। हमने 3 अंडे लिए हुए हैं और हमने आधा कप दूध लिया हुआ है, कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा, और हम हरी मिर्च ले रहे हैं। हमने 2 हरी मिर्च काटी हुई है बारीक बारीक, अगर बच्चे नहीं पसंद करते तो आप मत डालें। और हम थोड़ा लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करीब 2 है। थोड़ा चटपटा सा हम बनाएंगे। 1 बड़ा प्याज जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया हुआ है, और हमने कुछ मसाले लिए हैं। इसमें हमने करीब 1/4 चम्मच हमने हल्दी लिया हुआ है और थोड़ा सा ही लाल मिर्च लिया हुआ है। और हम ये एवरेस्ट का मीट मसाला लेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। इससे एक अच्छे तरह का फ्लेवर भी आ जाएगा और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है ये। नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं अंडे ब्रेड का एक स्पेशल नाश्ता। सबसे पहले हम अंडे को फोड़ लेंगे और उधर हम गैस पे एक पैन रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार लेंगे, थोड़ी सी कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज अभी हम थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी बनने पे हम डालेंगे उस पर। और हम दूध डाल देंगे, दूध हम 2 से 3 चम्मच हम छोटे लेंगे और इसको हम फेंट लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च हम बहुत ही कम डालना है इसलिए कलर लाने के लिए, और थोड़ा सा हम मीट मसाला लेंगे और इसको अब हम फिर फेंट लेंगे। और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं इसमें, मगर इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ। अब इसको हम ब्रेड को हम सेक लेंगे। हम 1 अंडे में 6 छोटी ब्रेड का हम बना रहे हैं, इसको हम हल्का सा सेक लेंगे और इसको हम दबा दबा के थोड़ा सा हल्का सा हम सेक लेंगे। और इसको मैं ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना है, हल्का सा ही सेकना है इस तरह। और इसको अब हम निकाल लेंगे एक तरफ सीखने के बाद। और इन सभी ब्रेड को निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम फेटा हुआ अंडा इसमें डाल के फैला लेंगे। इन ब्रेड को हम इसमें बराबर से लगाते जाएंगे। हम लगा दिए हैं इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे आज हम थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें ये मीट मसाला जो है हमारा ये डाल देंगे। अब बगल से थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको इसे दबा देंगे। और इसको अब हम इस तरह फोल्ड कर देंगे
इस तरह दोनों तरफ हम सेक लेंगे इस तरह करके, और भी सेल्स हैं। और इसको हम पलट के एक बार फिर सेक लेंगे। और ये हमारा इस तरह इसको हमने दबा दबा के सेक लिया है। और अब हम दूसरा अब इसको हम निकाल देंगे। और इस तरह हम दूसरी प्लेट भी हम तैयार कर रहे हैं। ये ब्रेड सीख चुकी है। अब हम ब्रेड हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हमें बिल्कुल हल्का सा। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें ब्रेड डाल देंगे और इसको हम बराबर से फैला देंगे। अब इसमें हम ब्रेड लगा देंगे। और इसमें अब हम ऊपर से प्याज डाल देंगे। जैसे पहले वाले में बनाया था सेम उसी तरह हम इसको बना रहे हैं। और थोड़ा सा मसाला भी ऊपर से डाल देंगे। और इसको हम पलट देंगे। और इसको इस तरह पलट देंगे। और इसको हम आराम से इसको पलट देंगे। और इसको पलट पलट के हम एक बार सेक लेंगे। लीजिए दोनों तरफ से सीख दिया है, अब इसको हम निकाल देंगे। लीजिए बनकर तैयार है अंडे और ब्रेड का स्पेशल नाश्ता। आप इसे हरी चटनी के संग और चाय के संग इसको सर्व करें, जो बच्चों और बड़ों को बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।